हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजादी का अमृत महोत्सव की बातें सुनकर ग्रामीणों में जगह जुनून। अम्बेडकर कल्याण सप्ताह समारोह के अंतर्गत नानाणी ग्राम पंचायत में अम्बेडकर कल्याण शिविर लगाकर जनता के परिवादी को सुना एवं मौके पर की गई त्वरित कार्रवाई। मेघवाल अखिल भारतीय भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सेवा समिति मुख्यालय सिरोही एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सिरोही के संयुक्त तत्वावधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कल्याण सप्ताह समारोह के अंतर्गत बुधवार को रेवदा तहसील गोद अभियान के तहत जनता की समस्या सुनो अभियान डॉक्टर अंबेडकर कल्याण शिविर का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत नागानी में आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नेताजी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी लिम्बाराम मेघवाल व कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में ग्राम पंचायत नागानी की सरपंच भारती देवी शिविर में मौजूद में सभी सम्मानित अतिथियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व माल्या अर्पण कर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया गया। नेताजी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिविर प्रभारी अधिकारी लिम्बाराम मेघवाल ने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का ये कल्याणकारी सप्ताह 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ एवं लगातार राष्ट्रीय अभियानों को गति प्रदान करते हुए आज नागानी में जनता के बीच विभिन्न परिवादियों को सुना, जिसमें रेवदर की जनता ने पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आपसी विवाद, सड़क की शिकायत, गांव में रोड लाइटों की समस्या, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवाद, राजस्व परिवार जैसे अनेकानेक परिवाद इस शिविर में प्रस्तुत किए। शिविर प्रभारी मेघवाल ने समस्त प्राप्त परिवादियों के त्वरित निराकरण व उच्चित कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया। साथ ही ग्राम पंचायत नागानी को सुंदर बनाओ व देशभक्तों के सर्कल व प्रतिमा लगाओ पर भी विचार शिविर में आए। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में ग्राम पंचायत नागानी व जिला प्रशासन का सराहनीय सहयोग व योगदान प्राप्त हुआ एवं शिविर को भारी सफलता के शिखर पहुंचाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए शिविर में नेताजी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन दर्शन पर परिलक्षित सार गर्भित वार्ता उपस्थित समुदाय को दी। आपने कहा कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक गणतंत्र देश किया गया था। साथ ही आजादी के लंबे संघर्ष के बाद भारतीयों को अपनी कानूनी किताब संविधान की प्राप्ति हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और इसके 2.5 साल बाद ये लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। आजादी के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी को 28 अगस्त 1937 को मीटिंग में भारत के स्वायत्त संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। 4 नवंबर 1947 को डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप की सदन में रखा गया। इसे पूरी तरह तैयार होने में 3 साल का समय लगा और आखिरकार 1950 को इसकी साथ ही खत्म हुई। साथ ही पूर्ण स्वराज की प्रतीक्षा भी सम्मान हुआ। शाखा में जातंत्र का दिवस राष्ट्रीय आयुक्त के रूप में मनाया जाता है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है। ऐसे महामानव संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राष्ट्र की ओर से आभार प्रकट कर उन्हें सैल्यूट किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच भारती देवी, ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार टेलर, सरपंच प्रतिनिधि मानाराम मेघवाल, वार्ड पंच रतन सिंह देवड़ा, भारतीय किसान संघ इकाई अध्यक्ष मालाराम प्रजापत, आशाराम इदरला, पंचायत सहायक जितेंद्र सिंह देवड़ा, तरिकमा राणा सहित आसपास गांव के लोग मौजूद थे। जागरूक टीवी के नगाड़े से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।